नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। फिनिम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। आईपीएल के अगले सीजन के लिए दुबई में मिनी ऑक्शन। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे बिके निचले स्टॉक। वडोदरा में इमरजेंसी बॉक्स के नाम पर लाखों की फिजूल खर्ची, मुसीबत के समय नहीं आ रहे काम। वडोदरा कॉरपोरेशन की सभा में भाजपा नेताओं के बीच बवाल। दिनेश राठौर और अल्पेश लिम्बाचा के बीच तूतू मैमे। इंडियन प्रीमियर लीग का मिनी ऑक्शन दुबई में जारी है। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टॉक आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। इंडियन प्रीमियर लीग का मिनी ऑक्शन दुबई में जारी है। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टॉक आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। उन्हें 24.75 करोड़ रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। उनके लिए गुजरात ने भी आखिर तक बोली लगाई। अनकैप्ड बैटर समीर रिजवी को चेन्नई सुपर किंग्स ने 8.40 करोड़ रुपए में खरीदा। अनकैप्ड शुभम दुबे 5.80 करोड़ रुपए में बिके। उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस 20.50 करोड़ रुपए में बिके। उन्हें स्टॉक से 1.5 घंटे पहले ही सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा था। हर्षल पटेल इस ऑक्शन में सबसे महंगे भारतीय बने। उन्हें 11.75 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा। 2022 के ऑक्शन में 9 करोड़ में बिकने वाले अनकैप्ड बैटर शाहरुख खान फिर करोड़पति बन गए। उन्हें 7.40 करोड़ रुपए में गुजरात टाइटंस ने खरीद लिया। अर्शन कुलकर्णी को लखनऊ सुपर जायंट्स और रमनदीप सिंह को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। दोनों को 20-20 लाख रुपए की कीमत मिली। अनकैप्ड बैटर समीर रिजवी के लिए बिडिंग वॉर देखने को मिला। उनके लिए चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स में लड़ाई देखने को मिली। आखिर में चेन्नई ने उन्हें बेस प्राइस से 42 गुना ज्यादा कीमत देकर 8.40 करोड़ रुपए में खरीद लिया। 5.80 करोड़ रुपए में बिके अनकैप्ड बैटर शुभम दुबे। विदर्भ के अनकैप्ड लेफ्ट हैंड बैटर शुभम दुबे को बेस प्राइस से कई गुना ज्यादा बोली मिली। उन्हें आखिर में राजस्थान ने ही बेस प्राइस से 29 गुना ज्यादा कीमत देकर 5.80 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इस सेट में अंगक्रुश रघुवंशी को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 लाख रुपए में खरीदा। गुजरात के वडोदरा शहर में मुसीबत के वक्त नागरिकों को फौरन सहायता पहुंचाने के लिए इमरजेंसी बॉक्स लगाए गए हैं। आइए जानते हैं उन इमरजेंसी बॉक्स की हकीकत। गुजरात के वडोदरा शहर में अगर आप बसते हैं और अगर कोई मुसीबत में फंसते हैं तो पुलिस, पालिका और प्रशासन का संपर्क करने के लिए एक बहुत बेहतरीन पहल की गई है। 2017 में वडोदरा शहर में 9 जगहों पर ऐसे इमरजेंसी बॉक्स लगाए गए हैं जहां बटन दबाकर आप सीधे सिटी कमांड सेंटर बात कर सकते हैं और आपकी परेशानी प्रशासन तक, पालिका तक और पुलिस तक पहुँचा सकते हैं। वडोदरा शहर में अलग अलग 9 जगहों पर ऐसे बॉक्स लगाए गए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि बात करवा माटे बटन दबाओ, पुश बटन टू टॉक। ऐसे SOS मशीन लगाए गए हैं, इमरजेंसी इस पर लिखा हुआ है। CMS सिंप्लीफाइंग लाइफ कंपनी के ये मशीन है और 2017 में नगर पालिका ने ये पहल की है। वडोदरा शहर में अलग अलग 9 जगहों पर ये लगाए गए हैं जिसमें बस स्टेशन, डांडिया बाजार, काला घोड़ा, लहरीपुरा गेट, मांडवी गेट, पानी गेट, प्रताप टॉकीज, रेलवे स्टेशन और सयाजी बाग शामिल है। फिलहाल मैं वडोदरा के रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ और रेलवे स्टेशन पर ये इमरजेंसी बॉक्स लगा है, 2017 से लगा है। और कितने लोगों ने इस्तेमाल किया है या कितने लोग इसके बारे में जानते हैं, ये तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज अगर वडोदरा शहर में ऐसी सुविधा नागरिकों तक पहुँचाई गई है तो नागरिकों तक इसकी जानकारी पहुँचना ज़रूरी है और इसीलिए आज आप तक इस इमरजेंसी बॉक्स की जानकारी मैं पहुँचा रही हूँ। सबसे पहले कॉल लगाकर चेक करेंगे कि आखिरकार जब कॉल लगाते हैं तो कॉल रिसीव कैसे होता है और कॉल रिसीव करने के बाद कौन इस पर बात करता है। चलिए मैं अब ये पुश बटन दबाती हूँ और देखते हैं अगर ये कॉल रिसीव होके किस तरह ये पूरा बॉक्स है वो काम करता है। पुश बटन दबाते हुए ही कोई आवाज़ आ रही है लेकिन आवाज़ ज़्यादा क्लियर नहीं है। Thank you.
कॉल लग नहीं रहा है, कॉल इन प्रोग्रेस यहाँ बता रहा है लेकिन कॉल लग नहीं रहा है। एक और बार कोशिश करते हैं। दो बार तो इसमें कुछ आवाज आ रही थी लेकिन अब इसमें कोई आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू कहने के बाद रख दिया गया है और आप देखिए ये कॉल नहीं लग रही है और ये कॉल एंड हो रहा है। इमरजेंसी टॉक के लिए यहाँ ये बॉक्स लगाया गया है और मेरी जानकारी के मुताबिक ये कॉल CCC यानी बदामड़ी बाग में जो सिटी कमांड सेंटर संचालित किया गया है पालिका द्वारा, वहाँ रिसीव किया जाता है और जो भी आपकी दिक्कत है वो लोग जानकर आपको सहायता पहुँचाते हैं। लेकिन अगर कोई कॉल रिसीव ही नहीं करेगा तो सहायता कैसे पहुँच पाएगी। वडोदरा रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर मैं खड़ी हूँ, जो इलाका हमेशा ही लोगों से भरा हुआ रहता है, दिन भर और रात में भी यहाँ वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। रिक्शा चालक कुछ यही रहते हैं, मैं उनसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या इस बॉक्स का इस्तेमाल कोई करता है। भैया ये बॉक्स लगा हुआ है, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? नहीं मैम, हमें इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है और हमें इस इमरजेंसी के बारे में कुछ डिटेल भी नहीं पता है, जैसे कि कोई जात की जाहिरात हो कि कुछ, हमें इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है, कुछ हमें जान भी नहीं है कि किस लिए लगाया गया है, कि किस तरह से इसको यूज़ करना है, इसके बारे में हमें कुछ डिटेल पता नहीं और कुछ जानकारी भी हमें नहीं। कभी किसी को इस्तेमाल करते हुए देखा है आपने? अभी हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे ऑटो चलाते हैं पर हमने आज तक किसी को इसे यूज़ करते हुए नहीं देखा है। भैया आप भी यहीं आसपास ही रहते हैं हमेशा? हाँ यहाँ पे रहते हैं, कभी किसी को बात करते कुछ देखा नहीं हमने, नहीं अभी तक नहीं देखा। आप भी यहीं के हैं? यहाँ के ही हूँ। आपको क्या लगता है ऐसे बॉक्स लगा देने से क्या सही में सहायता लोगों तक पहुँचेगी? अभी तक तो मैडम देखा नहीं है, अभी तक इमरजेंसी कॉल अपना देखा नहीं है अभी तक। गवर्नमेंट जो कुछ कुछ नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से सुविधा देती है तो उसके बारे में कुछ प्रचार करे तो अच्छी बात है, कि जिससे जनता को पता चले कि भाई ये किस लिए लगाया गया हुआ है और किस लिए इमरजेंसी में किस तरह से यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में कुछ डिटेल हमें नहीं पता है। प्रचार का एरा चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी से छोटी योजना को बहुत बड़े रूप में प्रचार करते हैं, लेकिन इतना बड़ा एक पहल जो की गई है पालिका द्वारा, 2017 से लगाए गए हैं वडोदरा शहर में 9 जगह पर ऐसे बॉक्स, लेकिन उसकी कोई जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाई गई है, लोगों को बताई नहीं है कि आखिरकार ऐसे इमरजेंसी बॉक्स लगे हुए हैं और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो सहायता भी मिल सकती है। अगर प्रचार नहीं किया जाएगा तो वडोदरा शहर के नागरिकों को पता कैसे चलेगा कि आखिरकार इस बॉक्स का इस्तेमाल करना कैसे है। चलिए ये तो था रेलवे स्टेशन का रियलिटी चेक। वडोदरा शहर में अलग अलग जगहों पर ऐसे ही इमरजेंसी बॉक्स लगाए गए हैं, उनका भी रियलिटी चेक ज़रूर कर लेते हैं कि आखिरकार ये कहाँ लगते हैं कॉल और अगर इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप तक सहायता कैसे पहुँचेगी। अब मैं वडोदरा के ऐतिहासिक लहरीपुरा गेट पर खड़ी हूँ और यहाँ भी पालिका द्वारा ऐसा ही एक इमरजेंसी बॉक्स लगाया गया है। ये इमरजेंसी बॉक्स काम करता है कि नहीं, आइए देखते हैं। वडोदरा महानगर पालिका की पहल तो अच्छी है लेकिन काम करती है कि नहीं वो हमने रेलवे स्टेशन पर देखा कि काम नहीं कर रही है। अब लहरीपुरा गेट पर लगा हुआ ये मशीन, ये काम करता है कि नहीं इसे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ भी सेम मशीन लगा हुआ है, SOS बात करवा माटे बटन दबाओ, पुश बटन टू टॉक, पावर ऑन, कॉल इन प्रोग्रेस। बटन में दबा कर देख रही हूँ कि क्या कोई कॉल लग रही है। कोई आवाज तो आ रही है, रिस्पॉन्स बटन जरूर दब रहा है। लेकिन कोई कॉल लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कॉल इन प्रोग्रेस अभी भी दिखा रहा है लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिल रहा है।
थैंक यू। वडोदरा नगरपालिका के अधिकारी के मुताबिक पिछले एक साल में सिटी कमांड सेंटर में इस बॉक्स द्वारा 293 कॉल रिसीव हुए हैं। कोई व्यक्ति द्वारा जब भी SOS कॉल किया जाता है तब पुलिस के CCC और पालिका के सिटी कमांड सेंटर में ये कॉल बजता है और उससे सहायता प्रदान की जाती है। ये तो पालिका के अधिकारी की बात थी, लेकिन रियलिटी चेक में ना तो पुलिस ने कॉल रिसीव किया और ना ही पालिका के सिटी कमांड सेंटर ने। वहीं इस मामले पुलिस कंट्रोल रूम के ACP से पूछने पर उन्होंने कहा कि पुलिस कंट्रोल में SOS कॉल के लिए कोई अलग से जानकारी पालिका द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है, ना ही उसकी कोई कनेक्टिविटी दी गई है। कंट्रोल में SOS के कोई कॉल अलग से नहीं आते हैं। इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड जरूर कराई गई है, लेकिन कहीं भी कार्यरत नहीं है। लहरीपुरा गेट पर भी नहीं चल रहा है, रेलवे स्टेशन पर भी नहीं चल रहा है, और हमारी जानकारी के अनुसार वडोदरा शहर में जगह जगह लगे इमरजेंसी बॉक्स को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ऐसे में लाखों रुपए के खर्च जो जनता के टैक्स से पैसों से किया गया है वो फिजूल खर्ची साबित हो रहा है। वडोदरा शहर में ऐसे कई विकास कार्य हैं जो अच्छे इंटेंस के साथ किए तो गए हैं, लेकिन देखभाल नहीं है, मरम्मत नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है। किसने लगाया है उसको बाद में देखेगा कौन, ये कोई प्रक्रिया सुचारू नहीं है, कोई इसमें व्यवस्था नहीं बिठाई गई है, और इसी के चलते वडोदरा शहर के लोग ऐसी सुविधा से वंचित है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM TV के लिए। गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन की सामान्य सभा में आज पूर्व मेयर नीलेश राठौड़ और शासक पक्ष के पूर्व नेता अल्पेश लिम्बाचा के बीच विवाद देखने मिला। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा हर महीने सामान्य सभा का आयोजन कर वडोदरा के विकास कार्यों पर विचार विमर्श किया जाता है। इसी के तहत आज आयोजित की गई सामान्य सभा में वडोदरा के पूर्व मेयर नीलेश राठौड़ और शासक पक्ष के पूर्व नेता अल्पेश लिम्बाचा के बीच तूतू मैमे का मंजर देखने मिला। सामान्य सभा में मेयर और म्युनिसिपल कमिश्नर के सामने आरोप प्रत्यारोप का दौर नीलेश राठौड़ और अल्पेश लिम्बाचा के बीच देखा गया, जिसमें नीलेश राठौड़ ने कहा कि उन पर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए वह तैयार हैं और अगर जवाब नहीं दे पाए तो उनका इस्तीफा दे देंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर अल्पेश लिम्बाचा आरोप साबित नहीं कर पाते तो कॉर्पोरेटर के पद से अपना इस्तीफा दें। दोनों के बीच विवाद के चलते सभा का माहौल काफी गर्मा गया। गौरतलब है कि नीलेश राठौड़ मेयर थे, तब उनके खिलाफ आरोप लगाती हुई पत्रिका वायरल की थी। इस मामले क्राइम ब्रांच ने अल्पेश लिम्बाचा को गिरफ्तार भी किया था और उसी के बाद उन्हें शासक पक्ष के नेता के पद से हटा दिया गया था। એ પ્રમાણે આક્ષેપો કરીને જે કૃત્ય કર્યું છે એની માટે અહીંયા સભાની અંદર જાહેરમાં માફી માંગે ની તો નેક્સ્ટ સભાની અંદર હું દરેક વસ્તુનો જવાબ માંગે છે। પાણીનું પાણી થઈ ગયું છે, સારામાંથી જોઈએ ગરમ, સારામાંથી જોઈએ ગરમ, કે એ પાણીમાં ખરે અને એમાં ચૂકો છે, સારામાંથી જોઈએ એટલે वडोदरा महानगर पालिका के पूर्व मेयर नीलेश राठौड़, जिनके खिलाफ पत्रिका वायरल हुई थी, और अल्पेश लिम्बाचा और नीलेश राठौड़ के बीच आज काफी गहमा गहमी हुई है। नीलेश भाई, आज सभा में काफी गहमा गहमी हुई है, शुक है शोना जे प्रमाणे આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા એનો ખાલી જવાબ માંગવામાં આવ્યો હતો, અને ઘણા ટાઈમ પછી જ્યારે સભામાં એ હાજર હોય તો સ્વાભાવિક છે, કોર્પોરેશનનો વિષય હતો, અને મેં પ્રશ્ન કર્યો કે ભાઈ તમે જે કંઈ આક્ષેપ કર્યા છે સાબિત કરો, એ તો નૈતિકતાની રીતે તમે રાજીનામું આપી દો। જ્યારે તમને ભારતીય જનતા પાર્ટીના મેન્ડેટ પર ઇલેક્શન લડ્યા, ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જ્યારે તમને સસ્પેન્ડ કર્યા, પણ આજના જે પ્રમાણેનો વ્યવહાર હતો એના પરથી તો ચોક્કસ એવું કહેવાય કે ચોરી ઉપરથી સિંહા ચોરી, પેલું કે છે ને એ પ્રમાણેનો આજનો દિવસ હતો। અલ્પેશ લિમ્બાચા તમારા મિત્ર પણ હતા નીલેશભાઈ, અને હવે આ જે મામલો થયો છે અને તમે પણ એમનું રાજીનામું માંગ્યું છે, તમે શું કીધું છે એના વિશે? સ્વાભાવિક છે
કે ભાઈ જે આક્ષેપો કર્યા છે તમે સાબિત કરો. આપણે સભા કોર્પોરેશનની સભા એક્સેપ્ટ કરવાયા તો બહુ ઈઝી છે, સાબિત કરો. હવે बहुत बहुत शुक्रिया. ये थे वडोदरा के पूर्व मेयर नीलेश राठौड़, जिन्होंने कहा है कि अगर मुझ पर लगे हुए आरोप साबित होते हैं तो मैं इस्तीफा दूंगा, और अगर अल्पेश लिंबाचिया ये आरोप साबित नहीं कर पाते हैं तो अल्पेश लिंबाचिया अपना इस्तीफा दे. वडोदरा महानगर पालिका की सामान्य सभा में आज पूर्व मेयर नीलेश राठौड़ और शासक पक्ष के पूर्व नेता अल्पेश लिंबाचिया के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा है. अल्पेश लिंबाचिया हमारे साथ है. सर, आज सभा में जो हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं हुआ मैडम, आप जानते हो, आपने शायद लाइव लिया ही होगा मेरा विश्वास है, पर मैं इतना जानता हूं, मेरे पे जो बोलते हैं कि इसका जवाब दो जवाब दो, जो मैं खुद जानता नहीं हूं तो मैं किस बात का जवाब, पत्रिका मैंने छापी नहीं है, और वो बोलते हैं कि मेरे पे आक्षेप हुआ सभा में नहीं आना, तो सभा में क्यों ना हो, मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने मैंडेट दिया था. पिछले कई वक्त से सभा में नहीं आ रहे. नहीं 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 नहीं, हो ही नहीं सकता, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हो मैडम. आज क्यों अचानक से ये मुद्दा उछला, क्या बात हुई? मेरे को तो पता ही नहीं, जिसने उछाला उसको आप पूछ सकते हो मैडम. अभी अभी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि मुझ पर लगे आरोप उन्हें साबित करने चाहिए, आप कैसे वो आरोप साबित करेंगे? अरे जब मेरे को पता ही नहीं है तो साबित न साबित की बात ही कहां पर आती है, लोग देखे जाते हैं. भारतीय जनता पार्टी सुशासन में मानती है, और ऐसे में नेताओं के बीच भरी सभा में इस तरीके का जो मुद्दा हुआ है, कैसे देखते हैं इसे? भारतीय जनता पार्टी सुशासन में ही मानती है, सुशासन से पूरी व्यवस्था भी चल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है मैडम. पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी हुई थी जब ये मामला हुआ था, अब आप पार्टी के साथ कितने खड़े हुए? पार्टी के साथ था हूँ और आजीवन रहूंगा. बहुत बहुत शुक्रिया. भारतीय जनता पार्टी के नेता अल्पेश लिंबाचिया और कह रहे हैं कि मैं अभी भी भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भले ही उन्हें सस्पेंड कर दिया हो. आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था उसे साबित करने की बात है, साबित होता है कि नहीं वो तो आने वाले दिनों में देखेंगे, लेकिन आज जो सभा में हुआ उस पर भारतीय जनता पार्टी के सुशासन पर एक बड़ा सवाल उठता है. गुजरात के वडोदरा में कॉर्पोरेशन की सामान्य सभा में आज पूर्व मेयर नीलेश राठौड़ और शासक पक्ष के पूर्व नेता अल्पेश लिंबाचिया के बीच विवाद देखने मिला. वडोदरा महानगर पालिका द्वारा हर महीने सामान्य सभा का आयोजन कर वडोदरा के विकास कार्यों पर विचार विमर्श किया जाता है. इसी के तहत आज आयोजित की गई सामान्य सभा में वडोदरा के पूर्व मेयर नीलेश राठौड़ और शासक पक्ष के पूर्व नेता अल्पेश लिंबाचिया के बीच तूतू मैमे का मंजर देखने मिला. सामान्य सभा में मेयर और म्युनिसिपल कमिश्नर के सामने आरोप प्रत्यारोप का दौर नीलेश राठौड़ और अल्पेश लिंबाचिया के बीच देखा गया, जिसमें नीलेश राठौड़ ने कहा कि उन पर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए वह तैयार हैं और अगर जवाब नहीं दे पाए तो उनका इस्तीफा दे देंगे. वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर अल्पेश लिंबाचिया आरोप साबित नहीं कर पाते तो कॉर्पोरेटर के पद से अपना इस्तीफा दें. दोनों के बीच विवाद के चलते सभा का माहौल काफी गर्मा गया. गौरतलब है कि नीलेश राठौड़ मेयर थे, तब उनके खिलाफ आरोप लगाती हुई पत्रिका वायरल की थी. इस मामले क्राइम ब्रांच ने अल्पेश लिंबाचिया को गिरफ्तार भी किया था और उसी के बाद उन्हें शासक पक्ष के नेता के पद से हटा दिया गया था. गुजरात के वडोदरा के पानी गेट के पास एसआरपी के तंबू में आग लगने की घटना सामने आई है. गुजरात के वडोदरा के पानी गेट के पास स्थित एसआरपी के तंबू में आग लगने की घटना सामने आई है. आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा तंबू इस आग में जलकर खाक हो गया. आग लगने के चलते इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया. फायर ब्रिगेड के जवानों ने आकर आग पर काबू किया. ऐसी दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. गाड़ी
गुजरात के वडोदरा के डभोई के विधायक शैलेश मेहता ने अपने डमी फेसबुक अकाउंट के बारे में जानकारी दी। आए दिन लोगों के अकाउंट हैक होने की खबरें हम सुनते ही रहते हैं, ये खबर जैसे अब आम हो चुकी है। वहीं आज वडोदरा के डभोई के विधायक शैलेश मेहता ने अपने डमी फेसबुक अकाउंट के बारे में लोगों को जानकारी दी। इस फर्जी अकाउंट के बारे में जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर विधायक शैलेश मेहता ने किसी भी प्रकार से पैसों का लेन देन नहीं करने की अपील की है। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। Part of the RR Global conglomerate, with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. Bharat le raha hai electric angdai. You know hum saath chale, saath chale. साथ बढ़े देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास, आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलिशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5-स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस, सभी बेडरूम अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। केरल में कोरोना का नया वेरिएंट पाए जाने के बाद अब गुजरात में भी इस वेरिएंट के 2 संभावित पॉजिटिव सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। देश भर में फिर एक बार कोरोना के मामलों में उछाल देखने मिल रहा है। केरल में कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने कोरोना गाइडलाइन के पालन की एडवाइजरी घोषित कर दी है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर के सेक्टर 6 में 2 सगी बहनों के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर हड़कंप मच गया है। कोरोना का ये वेरिएंट केरल में मिला नया वेरिएंट होने की आशंका जताई जा रही है। ये दोनों बहनें दक्षिण भारत के प्रवास से लौटी हैं। ऐसे में दोनों बहनों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जांच शुरू कर दी गई है। गांधीनगर के सेक्टर 6 में सर्विलेंस बढ़ा दिया गया है। दोनों बहनों के सैंपल जीनोमा सिक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। दोनों संक्रमितों को होम आइसोलेशन में इलाज दिया जा रहा है। गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी ब्रिज दुर्घटना मामले के मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। कुछ महीनों पहले गुजरात के मोरबी में ब्रिज टूट जाने की दुखद घटना घटी थी, जिसमें लगभग 135 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसमें 55 बच्चे भी शामिल थे। इस दुर्घटना के मुख्य आरोपी जयसुख पटेल की गुजरात हाईकोर्ट द्वारा जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। इस केस में 350 से अधिक लोगों ने गवाही दी थी और उच्च अधिकारियों द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया था। हाईकोर्ट द्वारा जमानत अर्जी ठुकरा दिए जाने के चलते जयसुख पटेल को अब जेल में ही रहना पड़ेगा। नामदार गुजरात हाईकोर्ट है जयसुख पटेल ओरेवा कंपनी ना सीएमडी जामीन अर्जी ने रिजेक्ट करी छे। पीड़ित परिवार तरीफे अमारी नामदार गुजरात हाईकोर्ट नी अंदर एवी आर्ग्युमेंट्स हती के आ केस नी अंदर 350 करता पण वधारे साक्षीओ ने बनावामां आया छे, ए उभा करेल साक्षीओ छे। जे एक व्यक्ति मृत्यु पामे छे एना घरनी अंदर थी 5-5 ने 7-7 लोगों ने साक्षी बनावामां आया छे। एक डेप्टी एसपी कक्षाना अधिकारी आ इन्वेस्टिगेशन कर्यू छे। इट इज एब्सोल्युटली ए फ्लॉड इन्वेस्टिगेशन। बीजी रजूआत जे पीड़ित परिवारों तरफ थी नामदार गुजरात हाईकोर्ट समक्ष करवामां आवी हती, ए एसआईटी ना रिपोर्ट पर भार आपवामां आव्यो हतो। एसआईटी ना रिपोर्ट नी अंदर संपूर्ण आ जे ब्रिज कोलेप्स थयो छे एनी संपूर्ण जवाबदारी ओरेवा कंपनी ने आपवामां आवी छे, टाकवामां आवी छे। तेमने घणी बधी वस्तुओं माटे केरलेस
અને બેઝલેસ દર્શાવવામાં આવ્યા છે દે સંદર્ભે એ આ દુર્ઘટના થતા રોકી શકતા હતા. તેમના દ્વારા બ્રિજ પર કોઈ પણ પ્રકારની એવી સુવિધાઓ રાખવામાં ન આવી હતી જે સંદર્ભે બ્રિજ પર કેટલા લોકો જશે તેના ઉપર અંકુશ લગાવી શકાય, ભીડને રોકી શકાય, ભીડને કંટ્રોલ કરી શકાય. આ બ્રિજનું કામ તેઓ દ્વારા કોઈક થર્ડ પાર્ટીને રિનોવેટ કરવા માટે આઉટસોર્સ કરવામાં આવ્યું હતું. જે સંદર્ભે જે વ્યક્તિએ આ બ્રિજનું કામ કર્યું છે તેની પાસે પણ કોઈ પ્રકારના ટેકનિકલ નોલેજ વગર એને આ કામ કર્યું છે. તમામ આર્ગ્યુમેન્ટો સાંભળીને નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે આજ રોજ જેસુખ પટેલ એટલે કે ઓરેવા કંપનીના સીએમડીની જામીન અરજી રિજેક્ટ કરી છે. गुजरात के वडोदरा में लालबाग पानी की टंकी से मांजलपुर इलाके की ओर जाने वाली मुख्य पानी की लाइन खराब होने से पानी का वितरण नहीं किया जाएगा. गुजरात के वडोदरा में लालबाग पानी की टंकी से मांजलपुर इलाके की ओर जाने वाली मुख्य पानी की पाइपलाइन खराब हो गई है जिसे बदलने की कार्यवाही शुरू की गई है. पुरानी पाइपलाइन बदलकर अब MS की लाइन डाली जाएगी जिसके चलते आए दिन हो रही पानी की परेशानी से स्थानियों को छुटकारा मिलेगा और पानी का दुरुपयोग भी नहीं होगा. लाइन डालने की कार्यवाही जंग स्तर पर की जाएगी जिसके चलते जल्द ही लोगों को पानी मिल सके. श्रेया स्कूल पास जे लालबाग थी पानी ने जूनी जे लाइन छे 600 mm डायानी एना थी माजलपुर विस्तार मा पानी आपवामा आवे छे. वर्षो जूनी लाइन छे अने एमा वारंवार लीकेज थाय छे जेना रीते नागरिको ने पण मुश्किली थाय छे, पानी डिस्टर्बन्स थाय छे, पानी नो भेड़फाट थाय छे અને આપણા રિસોર્સનો પણ બગાડ થાય છે. એટલે એ કાયમી ઉકેલ આવે એના માટે આપણે MSની લાઈન નાખી છે અને એના ઉપર MSના જ કનેક્શનો ટ્રાન્સફર કરવાની આયોજન આજે શટડાઉન લીધેલું છે જેથી પાણીના સમય બાદ કામગીરી શરૂ કરી છે. આજે સાંજે પાણી આપવામાં આવશે નહીં. જે વિસ્તારમાં પાણી આપીએ છીએ એમાં કામ મોડા સુધી ચાલવાનું છે એટલે આવતીકાલ સવારે પણ જો વિલંબ થાય તો પાણી મળશે નહીં. देश की राजधानी दिल्ली में संसद में चल रहा शीतकालीन सत्र इन दिनों लोकसभा की सुरक्षा में हुई चूक मामले में भेंट चढ़ा हुआ है. संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन यानी मंगलवार को विपक्ष ने सांसदों के निलंबन को लेकर दोनों सदनों में हंगामा किया. विपक्षी सांसद ने सदन से लेकर सदन के गेट और परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन किया. लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह से 3 बार स्थगित की गई. इसके बाद लोकसभा से विपक्ष के 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया. इस तरह अब कुल 141 सांसद सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे. यही नहीं, लोकसभा की प्रश्न सूची से 27 सवाल भी हटा दिए गए हैं. ये सवाल निलंबित सांसदों की तरफ से पूछे गए थे. सोमवार यानी 18 दिसंबर को कुल 78 सांसदों को निलंबित किया गया था. आजादी के बाद पहली बार एक ही दिन में इतने सांसद निलंबित किए गए हैं. इससे पहले 1979 में राजीव सरकार में 63 सांसद निलंबित किए गए थे. पिछले हफ्ते भी 14 सांसदों को निलंबित किया गया था. गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेताओं की बीजेपी में शामिल होने की चर्चा सामने आ रही थी जिसके चलते आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रमुख इसुदान गढ़वी ने अपनी प्रतिक्रिया दी. आम आदमी पार्टी मजबूत छे. गुजरात में आम आदमी पार्टी ना हवे एक पण धारासभ્ય ક્યાંય જવાના નથી. મારી મીડિયાને એક વિનંતી છે કે કોઈ ધારાસભ્ય કોઈ પાર્ટીના રાજીનામા આપતા હોય અને એમાં તમે તુરંત અફવાઓને ધ્યાનમાં રાખીને અમારા ધારાસભ્યોના નામ ચલાવવાની મહેરબાની કરીને. અમારા ધારાસભ્ય ચેતરભાઈ વસાવા નથી જવાના. કોશિશ કરી લીધી, કેસ ખોટો કર્યો. કેસ કર્યા પછી એ લોકો ચેતરભાઈના ઘરે આવ્યા અને ઘરે આવીને ચેતરભાઈને એના ફેમિલીને એવું કહ્યું કે આ કેસ તરત જ પરત લઈ લેશું. છગન ભુજબળ અજીત પવારની જેમ તમને પણ નીટ એન્ડ ક્લીન કરી નાખીશું, પણ તમે જેલમાં ન જવું હોય તો ભાજપમાં આવી જાઓ. ચેતરભાઈ વસાવાએ કીધું કે હું એમના પરિવારે કે અમે આદિવાસી સમાજના હિત માટે આવ્યા છીએ, કોઈ ભાજપની દલાલી કરવા માટે રાજનીતિમાં નથી આવ્યા. અને ભાજપના જે નેતાઓ છે એ અત્યારે રીતસર ભાજપની દલાલી જ કરી રહ્યા છે. આદિવાસી સમાજનો અવાજ નથી બની રહ્યા અને એટલા અમારે અમારા સમાજનો અવાજ બનવું છે. એટલે ચેતરભાઈએ ના પાડી દીધી, ઉમેશભાઈ મકવાણાએ ના પાડી દીધી, સુધીરભાઈ, હેમંતભાઈ, હા એક ભાઈ જે શરૂઆતના તબક્કાથી એક અમારા માટે ખોટો સિક્કા સમાન સાબિત થયા. અને દુઃખદ વાત છે કે જેમણે રિઝલ્ટના બીજા જ દિવસે ત્યાં ભાજપ કાર્યાલય સુધી પહોંચી ગયા હતા એ એક અમારી પણ ભૂલ હતી. પણ બીજા ચારે ચાર ધારાસભ્યો માન્યા નહીં એટલે તો એમને રાજીનામું આપવું પડ્યું. એટલે કોઈ રાજીનામા આપે કોઈ પાર્ટીના એટલે તરત જ આમ આદમી પાર્ટીના ફલાણા ધારાસભ્ય રાજીનામા આપે છે, ફલાણા ધારાસભ્ય રાજીનામા આપે છે. આનાથી નુકસાન થઈ રહ્યું છે એમને. એમનામાંથી કોઈ લોકસભા પણ લડવાના છે
તો પ્રજાપતિ વિશ્વાસ કઈ રીતે કરશે? ભાજપના ઇશારે મીડિયાવાળા મરજી પડે ત્યારે એમને નામ ચલાવી દે છે કે આ આપી શકે છે રાજીનામું. એટલે શું ભાજપ, હું એમ કહું છું, ભાજપમાં તાકાત હોય તો ખેડૂતોનો દેવ માફ કરી બતાવે, ભાજપમાં તાકાત હોય તો ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત ગુજરાત કરી બતાવે, ભાજપમાં તાકાત હોય તો 600 યુનિટ વીજળી ફ્રી કરી બતાવે. ચાલો, એ નથી. એટલે તમને ભરમાવા કામ કરે છે. લોકતંત્રની હત્યા થઈ રહી છે અને આપણે ઓપરેશન લોટસ કરીને ચલાવતા હોઈએ છીએ. શું થઈ રહ્યું છે? ઓપરેશન લોટસ, શેનો ઓપરેશન લોટસ? 159 આપ્યા પછી કોઈ ધરાતા નથી, કામ આવડતું નથી, મરજી પડે ને મંત્રી બનાવી દીધા છે. સાહેબ, એક કદાચ આઈએસ આઈપીએસ અધિકારી પણ અનાવડત વાળો આવી ગયો ને તો આખો જિલ્લો ખતમ થઈ જાય છે, ત્યારે આખી ફોજ ભાજપની અનાવડત વાળી છે. ગુજરાત ક્યાં જઈ રહ્યું છે? વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ ધર્મ પ્રસાર મંત્રી ધર્મેન્દ્ર ભવાની કે આરોપ કે ખિલાફ બીટીપી ઓર ભારતીય ટ્રાઇબલ ટાઇગર સેના દ્વારા ગુજરાત કે ભરૂચ મેં કલેક્ટર કો આવેદન પત્ર દિયા ગયા. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ ધર્મ પ્રસાર મંત્રી ધર્મેન્દ્ર ભવાની ને રાજ્ય મેં આદિવાસીઓ કો ગુમરાહ કર ધર્માંતરણ કિયે જાને કે આરોપ લગાતે હુએ ઝગડિયા કે બીટીપી નેતા છોટું વસાવા ઓર ઉનકે પુત્ર મહેશ વસાવા કો પ્રાણી કી ઉપમા દી હૈ. આદિવાસીઓ કે હો રહે ધર્મ પરિવર્તન કે વિરોધ મેં વીએચપી દ્વારા કાર્યક્રમ કિયા જાયેગા, જિસકે ચલતે બીટીપી ઓર ભારતીય ટ્રાઇબલ ટાઇગર સેના દ્વારા ગુજરાત કે ભરૂચ મેં કલેક્ટર કો આવેદન પત્ર દિયા ગયા ઓર દેશ કી એકતા ઓર અખંડતા કો નુકસાન પહોંચાને વાલે ધર્મેન્દ્ર ભવાની કો જલ્દ હિરાસત મેં લેકર યોગ્ય કાર્યવાહી કિયે જાને કી માંગ કી ગઈ. અમારા જે આદિવાસી સમાજના નેતા છે આદરણીય શ્રી છોટુભાઈ વસાવા સાહેબ અને મહેશભાઈ વસાવા સાહેબ, કોઈ પણ રીતે આદિવાસીઓને નથી ભડકાવતા, પરંતુ જે આદિવાસીઓના બંધારણીય હક અધિકારો છે તેના વિશે જાગૃત કરી રહ્યા છે, જે આદિવાસીઓની ઓળખ છે એ બાબતે જાગૃત કરી રહ્યા છે. અને હાલની સમયમાં જે આદિવાસી સમાજ સમગ્ર દેશમાં જાગૃત થયો છે તેમાં સૌથી મોટો કોઈનો ફાળો હોય તો તે અમારા આદિવાસી નેતા છોટુભાઈ વસાવા સાહેબ અને મહેશભાઈ વસાવાનો છે. ત્યારે આવા સમાજ વિરોધી તત્વો જે છે તેઓ એન કેન પ્રકારે આદિવાસી સમાજને ધર્મના નામે લડાઈ મારવાના ષડયંત્રો કરી રહ્યા છે. અને આ જે સંગઠનો છે તે આરએસએસ પ્રેરિત સંગઠનો ક્યાંક ને ક્યાંક આદિવાસી વિસ્તારમાં પણ હવે જે હિન્દુ ખ્રિસ્તીના નામે આદિવાસીઓને લડવાના પ્રયત્ન થઈ રહ્યા છે. વર્ષોથી આપણે જોઈ રહ્યા છે કે જે આદિવાસી સમાજના લોકો છે તે ભલે કોઈ પણ ધર્મ પાળતું હોય, બંધારણ પણ આદિવાસીઓને કોઈ પણ ધર્મ પાળવાનું છૂટ આપે છે, સુપ્રીમ કોર્ટ પણ કહે છે કે આદિવાસીઓ હિન્દુ નથી અને તેઓ કોઈ પણ ધર્મ પાળી શકે છે, સાથે સાથે જે ગુજરાત સરકાર દ્વારા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ લેવામાં આવે છે તો તેમાં પણ ચોખ્ખું કહેવામાં આવ્યું છે કે જે આદિવાસીઓ છે એમને ધાર્મિક દરજ્જા સાથે કોઈ દેવા લેવા દેવા નથી, તેઓ સ્વતંત્ર છે. છતાંય ક્યાંક ને ક્યાંક આરએસએસ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા આદિવાસી હિન્દુ ગણાવીને ખ્રિસ્તી અને આદિવાસીઓ જે છે હિન્દુ પોતાને માને છે એમના વિરુદ્ધ એકબીજાને લેવાના પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે. પરંતુ અમે આ જે વસ્તુ છે થવા નહીં દઈએ આદિવાસી વિસ્તારમાં. અને આવા જે અસામાજિક તત્વો છે જેઓ દેશદ્રોહનું કામ કરે છે તે લોકો વિરુદ્ધ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવે જ અમારી માંગણી છે. VNM TV पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ. बने रहिए हमारे साथ. नए वर्ष पर नई डायरी चाहिए तो युग धर्म है ना. हर कलर्स डिजाइन और हर वर्क के लिए डायरीज का वाइड कलेक्शन. व्यापारी से लेकर बिजनेसमैन तक, स्टूडेंट से लेकर हाउसवाइफ तक, हर किसी के लिए उनकी जरूरतों के मुताबिक की डायरी. दुकानों से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक पसंद की जाती है युग धर्म की डायरीज. डायरीज के साथ साथ हर तरह की स्टेशनरी, फाइल्स, फोल्डर्स भी युग धर्म में अवेलेबल. वडोदरा के काला घोड़ा, गेंडा सर्कल, अकोटा, मकरपुरा GIDC, मांडवी और निजामपुरा में है युग धर्म के ब्रांचेस. युग धर्म स्टेशनरी, 6 गार्डन व्यू कॉम्प्लेक्स, काला घोड़ा सर्कल, सैजीगंज, वडोदरा. वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए क्योंकि यहाँ हर डिश है खास. इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल. 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा. होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट. 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा. यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार. कोत्रीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर. लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट और स्क्वायर पंचवटी रोड, कोरबा, पटोदरा. माना होटल्स एंड रिसोर्ट. राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार.
राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। नेक्स्ट टाइम प्लान योर हॉलीडेज विद माना होटल्स। कॉन्टैक्ट 8107-88800। गुजरात के वडोदरा के डभोई तालुका के धर्मपुरी इलाके में भैंस के तबेले में आग लगने की घटना सामने आई है। गुजरात के वडोदरा के डभोई तालुका के धर्मपुरी इलाके में उकेड़ भाई तड़वी के मकान के पास भैंस बांधने के लिए पतरे का शेड बनाकर तबेला बनाया गया था, जिसमें भैंस और चारा रखा जाता है। इस तबेले में अचानक आग लगने की घटना घटी, जिसके चलते आसपास रहते निवासियों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आग को काबू में करने के लिए लोगों द्वारा मशक्कत की गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू किया। इस घटना में जान हानि की कोई खबर नहीं है। हरिद्वार में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जायरोकॉप्टर के परीक्षण उड़ान का सफलतम शुभारंभ किया गया। हरिद्वार में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल द्वारा जायरोकॉप्टर की भारत में सर्वप्रथम सफलतम पहली उड़ान परीक्षण के तौर पर उत्तराखंड के हरिद्वार में की जा रही है, जिसके चलते जिलाधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल ने बैरागी कैंप के ग्राउंड में स्वयं साहसिक जायरोकॉप्टर में उड़ान भरी। जायरोकॉप्टर एक प्रकार का छोटा हेलीकॉप्टर है, जिसका उपयोग उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगा। जायरोकॉप्टर द्वारा राज्य के विभिन्न दर्शनीय स्थलों की हिमालयन हवाई सफारी योजना शीघ्र ही धरातल पर उतारी जाएगी। इस मौके पर रजस एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के MD मनीष सैनी, ED लोकेश कुमार, पर्यटन विकास अधिकारी सुरेश सिंह यादव और गणमान्य उपस्थित रहे। गुजरात के वडोदरा के पैरा टेबल टेनिस प्लेयर शिवम दवे ने दिल्ली में आयोजित प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर वडोदरा का नाम रोशन किया है। गुजरात के वडोदरा के पैरा टेबल टेनिस प्लेयर शिवम दवे ने दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया गेम्स 2023 प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर वडोदरा का नाम रोशन किया है। दिव्यांग होने के बावजूद दिल्ली में आयोजित प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीतने से शिवम के परिवार और कोच ने खुशी जताई। ये पहली बार खेलो इंडिया में पैरा टेबल टेनिस को रखा था, उसमें मेरे को ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है कैटेगरी 2 में, जिसमें 8 प्लेयर थे। काफ़ी कंपटीशन था, पर मैंने अपना अच्छा दिया है। मेरे को बहुत खुशी है कि मेरा ये पहला टाइम था, फर्स्ट टाइम में मैंने अपना लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए तो उनको भी प्रेरणा मिले और वो भी एक स्पोर्ट से एक्टिव रह सके अपने, क्योंकि स्पोर्ट ही है ऐसी चीज़ जो डिसेबिलिटी को ऊपर ला सकती है, उनको एक नई पहचान मिल सकती है। मुझे बहुत गर्व हुआ कि मेरा बेटा थर्ड आया, इसलिए मैंने उसका सम्मान करने के लिए मैं प्लेटफॉर्म पर आई हूँ कि मेरा बेटा थर्ड आया, बहुत खुशी है मुझे। शिवम जब मेडल जीतकर वडोदरा लौटे तो रेलवे स्टेशन पर परिवार के सदस्यों ने मिठाई खिलाकर और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। टोटल 1450 खिलाड़ी पूरे ऑल इंडिया से आए थे पैरा टेबल टेनिस खेलने के लिए, तो मतलब जिसको गोल्ड मिला, सिल्वर मिला और बड़ौदा में ये जय भोले देवे को ब्रॉन्ज मेडल मिला, वो हमारे को बहुत खुशी है। मैं तो एज ए स्कॉट था और दो जो डिसबिलिटी पर्सन थे उनको स्कॉट कोई नहीं था, फिर भी मैं अपना फौजी होने के नाते, रिटायर्ड फौजी होने के नाते, मैं इनको मतलब पूरा मदद किया और यहाँ बड़ौदा से लेकर दिल्ली तक सही सलामत ले गया और दिल्ली से बड़ौदा सही सलामत लाया हूँ, और उसमें एक ब्रॉन्ज मेडल मिलने से ये हमको बहुत बड़ी खुशी है। गुजरात के भावनगर का तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकार सुंदरलाल के नाम से जाने जाते मयूर वकानी ने दौरा किया।
तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकार सुंदरलाल के नाम से जाने जाते मयूर वकानी ने गुजरात के भावनगर का दौरा किया। भावनगर में उन्होंने महानगर पालिका कमिश्नर नवीन उपाध्याय के साथ मीटिंग की और भावनगर के सौंदर्य लक्ष्य कार्यों के बारे में चर्चा की गई। मयूर वकानी ने बताया कि उनका बचपन भावनगर में ही बीता है, जिसके चलते उन्हें भावनगर से विशेष प्रेम है। गुजरात के सूरत में इको सेल द्वारा 1,50,00,000 की धोखाधड़ी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात के सूरत में इको सेल द्वारा 1,50,00,000 की धोखाधड़ी करने वाले शख्स यूसुफ खान मोहम्मद पठान को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। इस शख्स और उसकी पत्नी ने मिलकर वॉइस इमिग्रेशन एंड वीजा कंसल्टेंट सर्विसेज नाम की जगह जगह ऑफिस खोली थी, जिसमें वर्क परमिट के आधार पर लंदन और US जाना चाहते लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई। लोगों से वीजा बनाकर दिए जाने के बहाने गलत डॉक्यूमेंट बनाकर धोखाधड़ी करते हुए लाखों रुपए लूट किए गए। गई तारीख 18/9/2023 रोज उमरा पोस्टे छेतरपिंडी अंगे गुनो दाखल थयेलो, जेमा यूके ना वीजा आपवाना बहाने क्लायंटो पासे थी क्लायंट ने 5,00,000 उघराई। कुल 21 क्लायंटो ना 1,05,00,000 लेखे मेळवी आरोपी युसुफ खान पठाण तथा तेना पत्नी विवियाना बने पोतानी ऑफिस खोली अने लेखित करारो बाहेदरी करारो करी आपी 1,05,00,000 मेळवी ले छेतरपिंडी आचरी विदेश भागी गए। जे युसुफ खान दिल्ली आवता LOC अन्वये पकड़ाई गए अने दिल्ली एरपोर्ट थी इको सेलरी टीमे पकड़ी अने कोर्ट में रजू करेल छे अने हाल 3 दिवसना रिमांड पर छे, तपास चालू छे। गुजरात के वडोदरा के अलकापुरी में स्थित सर्जन आर्ट गैलरी में आर्टिस्ट अजित वर्मा के स्कल्पचर्स की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा के अलकापुरी में स्थित सर्जन आर्ट गैलरी में आर्टिस्ट अजित वर्मा द्वारा मेटामॉर्फोसिस ऑफ मीडियम शीर्षक के तहत 15 स्कल्पचर और अन्य आर्टवर्क कुल मिलाकर 69 आर्ट गैलरी में प्रदर्शित किए गए। अजित वर्मा कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कला को बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित किया है। पेपर के लुगदी से अद्भुत स्कल्पचर्स तैयार किए गए हैं। 17 दिसंबर से शुरू हुई ये प्रदर्शनी 6 जनवरी तक दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। पेपर मशीन को मैंने चूज़ किया कि पेपर मशीन में काम करूँ, तो पेपर का न्यूज़पेपर का जो मावा आता है उसको कूट के उसमें से बनाते हैं, तो उससे फिर मैंने सोचा, लकड़ी से सोचा था पर वो वजन बहुत हो जाता, इसलिए फिर मैंने ये मटेरियल चुना पेपर मशीन का। तो ये सब जो भी सर्जन है वो पेपर मशीन की उससे किया हुआ है। ये करीब मैंने 15 स्कल्पचर बनाए हैं, स्केचेस करता गया, वो आसाम में आता गया, तो सब अलग अलग है, जैसे गधा है, बंदर है, भैंस है, बकरी है, काचबा है, रेनू है, मतलब ऐसे अलग अलग, जैसे मतलब वो क्या प्राणी जरा अच्छे लगते बच्चों को भी और बड़ों को भी, एक क्यूरियोसिटी होती है ना देखने का, तो मेरा ये विचार है कि एक बनाए। और एक पूरी सीरीज मैंने 10 पेंटिंग की बनाई है, वो रिलीफ वर्क बना है, लेकिन वो मिक्स मीडिया किया है, उसमें लकड़ा है, चमड़ा है, और कांच के मोती है, पीतल है, वगैरह वगैरह, जो मतलब उसके साथ संलग्न हो जाता है और कुछ वह वैसे मतलब बनाए, वो मटेरियल यूज़ किया है। गुजरात के अहमदाबाद के गोघावी के संस्कार धाम स्पोर्ट्स एकेडमी में सूर्य नमस्कार अभियान स्पर्धा का उद्घाटन किया गया। गुजरात के अहमदाबाद के गोघावी के संस्कार धाम स्पोर्ट्स एकेडमी में सूर्य नमस्कार अभियान स्पर्धा का गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी द्वारा उद्घाटन किया गया। इस मौके पर संस्कार धाम स्पोर्ट्स अकेडमी के बच्चों द्वारा सूर्य नमस्कार किया गया। बच्चों को स्वस्थ बनाने के लिए गुजरात राज्य के तमाम शहरी और ग्रामीण इलाकों के विभिन्न वार्ड में अंदाजन 20,000 से अधिक स्थलों पर एक साथ राज्यव्यापी सूर्य नमस्कार का शुभारंभ किया गया। Thank you.
देश और दुनिया के इतिहास में पहली बार सूर्य नमस्कार की राज्यव्यापी स्पर्धा का आयोजन किया गया। गुजरात के 13,748 गांवों में कुल मिला के 853,385 युवा आज सूर्य नमस्कार में भाग लेंगे। इसी प्रकार से नगर पालिका एवं महानगर पालिका के मिलके 15,23,409 कुल मिला के स्पर्धक आज सूर्य नमस्कार स्पर्धा में भाग लेंगे। देश के इतिहास में इस प्रकार का आयोजन पहली बार किया गया है, जिसमें लाखों की संख्या में युवा सूर्य नमस्कार में भाग लें, योग का फायदा समझें, सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है वो ट्रेनिंग में 10 दिन लगातार भाग लें। और इसके माध्यम से मैं जरूर ये मान रहा हूँ कि गुजरात के सभी युवाओं में योग के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी और योग से जुड़ने में एक ये प्रयास किया गया है और ये प्रयास में मुझे विश्वास है कि हमें जरूर से सफलता प्राप्त होगी। गुजरात का वडोदरा शहर जो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के नाम से जाना जाता है और महाराजा द्वारा बनाई गई सुविधाएं आज भी वडोदरा के नागरिक खुशी खुशी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वडोदरा का विकास वडोदरा महानगर पालिका के हाथ में है और विकास कार्यों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपयों का खर्च हो रहा है। विकास कार्यों से कोई परहेजी कभी किसी को हो नहीं सकती, लेकिन विकास कार्यों के नाम पर जिस तरीके के आयोजन हो रहे हैं उस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। फिलहाल मैं वडोदरा के छाणी इलाके TP13 में खड़ी हूँ और यहाँ कॉरपोरेशन का एक प्लॉट है। भरत भाई, अगर हम दिखा सके तो कॉरपोरेशन का एक पूरा बड़ा सा प्लॉट है और इस प्लॉट को डेवलप करने का काम 68 लाख रुपए के खर्च से कॉरपोरेशन ने शुरू किया है। वैसे यहाँ आंगनवाड़ी बनाई हुई है और यहाँ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई कराई जाती है। अब यहाँ गार्डन डेवलप करने की योजना है और यहाँ कुछ कमरे भी बनाए गए हैं, शौचालय बनाए गए हैं और इस पूरे कॉरपोरेशन के प्लॉट को डेवलप करने की योजना कॉरपोरेशन ने तैयार की है। अब आप कहेंगे कि विकास कार्य होना तो अच्छी बात है, विकास कार्य होना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पास में ही श्याम रेसिडेंसी है, उसके निवासी इस विकास कार्य का विरोध कर रहे हैं। श्याम रेसिडेंसी के जो लोग हैं वो मेरे साथ हैं और क्या विरोध है, क्या कहना है उनका, उस पर हम जानेंगे। क्या परेशानी है, आप लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ जो कॉरपोरेशन का प्लॉट है उसमें कॉरपोरेशन कुछ विकास करने की कोशिश कर रहा है। हम उद्यानी शुरुआत त्यांथी थई कि आज ये वृक्ष देखाय छे ने एवा 2-3 वृक्ष अहीं हता, आ बाजू खसी जाओ जरा अहीं, એ વૃક્ષ જયારે કોર્પોરેશન અને કોર્પોરેશનના માણસો કે અધિકારીઓ કે સમહાવ કોઈ પણ માણસો અહીંથી ઉખાડવાના ચાલુ કર્યા, એટલે આ જે અમારી સોસાયટીના રહીશોના મકાન છે એમના ધ્યાનમાં આવ્યું અને એમણે એમને અટકાવ્યા, તો અમે પછી એ લોકો ના માને કે અમારે અહીંયા ગાર્ડન બનાવવો છે એટલે આ વૃક્ષો અહીંથી હટાવીએ છીએ, એટલે અમે બેનને વાત કરી અમારા કોર્પોરેટરને કે ભાઈ આવું થઈ રહ્યું છે, તો એમણે કીધું કે આ ગાર્ડન બનવાનો છે, તમે એ જે ગાર્ડનના અધિકારી છે એમની જોડે વાત કરો, તો મેં વાત કરી તો એ અધિકારી નિલેશભાઈ કરીને નામ હતું, એમણે મને એવું કહ્યું કે આ વૃક્ષો અમે એટલા માટે હટાવીએ છીએ કે અહીંયા કોર્પોરેશનના ટોયલેટ ને બધું ગાર્ડન માટેના ટોયલેટ ની વ્યવસ્થા કરવાની છે અને તમારા વૃક્ષ ક્યાંક બીજે અમે શિફ્ટ કરી દઈશું, તો અમે નિર્ણય ખુશી ખુશી વધાવી લીધો કે જો આટલા અમારા એરિયામાં નજીકમાં અમે બધા બહુ જ વૃક્ષ પ્રેમી છીએ, અમારા કોમન પ્લોટમાં ઓછામાં ઓછા 100 મોટા વૃક્ષો આવેલા છે અને બધા અમે ડેવલપ કરેલા છે, એટલે અમે ખુશ થઈ ગયા કે અહીંયા ગાર્ડન બનશે, બહુ સરસ વિવિધતા થશે, તો તમે કઈ નહીં અહીંથી વૃક્ષ હટાવી દો। વૃક્ષ હટાવી દીધા અને તરત જ 2 દિવસમાં અમને ખબર પડ્યા વગર આખું આ સિવિલ કન્સ્ટ્રક્શન ઊભું કર્યું એને રાતોરાત, અને એ બિલકુલ અમારા સભ્યોના ઘરની અડીને એને ત્યાં આવું ખુલ્લું ટોયલેટ બનાવી દીધું કે જે પેલા જે માણસ અહીંયા રહે છે એ બિચારાને રાત દિવસ એની સ્મેલ આવે અને બધા એમનું સુખાકારી જીવન પરેશાન થવા માંડ્યું આ બધું ઊભું કર્યું, એટલે અમે ફરીથી બેનને રજૂઆત કરી કે આવું થયું છે, ગાર્ડનમાં હજી કોઈ વૃક્ષ કે આ કે તે વાવવાની શરૂઆત નથી થઈ પણ આવું બધું ચાલ્યું જેના કારણે અમારા રહીશોને તકલીફો પડે છે શાંતિથી રહેવા માટે સુખા કરી બહુ મોટું, અને એવા બીજા ઓપ્શન છે કે આ જગ્યા આ બહુ જ મોટો પ્લોટ છે, કોઈ જગ્યાએ શિફ્ટ થતી હોય તો અહીંયા જે માણસ આખું લાન બધા જ અમારી સોસાયટીના રહીશોના ઘર છે એને 2 ફૂટનું બી અંતર વગર આ બનાવ્યું છે, તો આ ને કોઈ બીજી જગ્યાએ શિફ્ટ કરી આપો અને ગાર્ડનનું કામ સરસ ચાલુ કરો, અને અમારા સોસાયટીના સભ્યોએ વોલેન્ટરી ગાર્ડનમાં સેવા આપવાનું એટલે કે પાણી એમના ઘર તરફથી વર્માજીના ઘર તરફથી અને દેખરેખ રાખીશું અને સંભાળ રાખીશું અહીંયા બનશે એ બધાનું, તો તમે કામ ચાલુ કરો એવી રજૂઆત કરી, અને એ માટે એ રજૂઆત અમારી મ્યુનિસિપલ કમિશનરે કરવા માટે અમારા કોર્પોરેટર શ્રીમતી પુષ્પાબેન વાઘેલાએ આજે એપોઇન્ટમેન્ટ લીધી અને આ જ રજૂઆતો અમે મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબને કરી
કે અહીંયા સિવિલ કન્સ્ટ્રક્શન જે અમારા રહીશોને અડચણ રૂપ છે એને ખાલી કોઈ જગ્યાએ શિફ્ટ થતું હોય તો કરો, અને અહીંયા ખુશી ખુશી બહુ સુંદર સરસ મજાનું વૃક્ષારોપણ કરીને ગાર્ડન ડેવલપ કરો. ચલીએ થોડા સા ઓર આગે બઢતે હૈ, આંગનવાડી કી ઓર ચલતે હૈ. ઓર યહાં જો આંગનવાડી હૈ, यहाँ दिन में तो बच्चे पढ़ते हैं लेकिन रात को यहाँ असामाजिक तत्वों ने डेरा डाला हुआ है, यहाँ शराब की महफिलें जमती है. और आप सोचिए कि कॉरपोरेशन की जगह है और यहाँ इस तरीके की असामाजिक गतिविधियाँ हो रही है, और बिल्कुल बाजू में सोसाइटी है जहाँ 42 फ्लैट्स हैं, घर हैं बने हुए, 42 परिवार यहाँ रहते हैं, लेकिन इस तरीके की जो गतिविधियाँ हो रही है उसका यहाँ विरोध हो रहा है. ग्रीन बेल्ट के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, और ये वॉल टू वॉल तो कभी पर भी कंस्ट्रक्शन, ग्रीन बेल्ट है ऐसा कॉर्पोरेशन ने खुद कहा है. बिल्कुल कहा है ना कॉर्पोरेशन ने, भाई वॉल टू वॉल तो टच नहीं हो सकता ना. यहाँ से अगर कंस्ट्रक्शन वर्क हो जाएगा तो इट इज नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ द ग्रीन बेल्ट. तो अगर ये टच हो जाता तो यहाँ से एयर ही वेंटिलेशन है वही नहीं हो पाएगा. तो हमारा तो विरोध इतना ही कि इस जो ये है कंस्ट्रक्शन, इसको आप शिफ्ट कर लें कहीं पर भी. अब ये कितने सालों पहले ये आपकी श्याम रेसिडेंसी आपकी सोसाइटी बनी हुई? ये हमारी 2006 में हम लोगों ने इधर स्विच ओवर किया था, 2005-06 में. आई एम रेजिडेंट ऑफ B36. चलिए, सालों से रह रहे लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल हमारी सोसाइटी से लगकर कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए. स्थानीय नगर सेवक पुष्पा वाघेला भी हमारे साथ है, जो पिछले कई दिनों से इस मुद्दे स्थानीय लोगों के साथ हैं और आज कॉरपोरेशन में इस मामले आवाज भी उठाई गई है. पुष्पाबेन, शू कहशो? आज ग्रीन डेवलपमेंट थवानी कोशिश है, मां स्थानीय निवासियों विरोध करी रहा है, तमे एनो साथ आपी रहा छो. स्थानिक लोगोनो विरोध मात्र सिविल जे काम चाली रह्यु छे एनो छे. मारो विरोध एटलो छे के कॉर्पोरेशन नो आ अणघट એમને આવડત નથી. હવે ગ્રીન બેલ્ટમાં અહીંયા બ્યુટિફિકેશનનું કામ કરવું જોઈએ. કોઈ પણ વ્યક્તિ બગીચામાં આવે તો એને આ મકાનો બાંધેલા ઝૂંપડા મકાનો દેખાય કે એને ગ્રીનરી દેખાવી જોઈએ. હવે અહીંયા આ લોકો જે કામ કરી રહ્યા છે, એટલે આજે મારી રજૂઆત પણ એ છે કે તમે પાછળ જે આંગણવાડીની પાછળ જે વેસ્ટ જગ્યા છોડી દીધી છે, જેનું અત્યારે જંગલ બની ગયું છે, નરકાગાર પરિસ્થિતિ છે, તો આ જે સિવિલ કામ અહીંયા કરી રહ્યા છો તો આ કામ પાછળ કરો. એ જગ્યાનો ઉપયોગ તમે કરો અને આ જગ્યા પર ગાર્ડનનું કામ કરો, એટલી અમારી માંગણી છે. અને અમે આ સ્થાનિક રહીશોને એટલે જ હું સપોર્ટ કરી રહી છું કે સ્થાનિક રહીશોની માંગણી સાચી છે. અગર એમની ખોટી હોત તો અમે એમને પણ કહેત કે આ કોર્પોરેશનનું કામ છે, તમે ડિસ્ટર્બ ના કરો. પણ એમની જે માંગણી છે એ લાગણી સાથેની છે કોર્પોરેશનની, કે પાછળ જે જંગલ બની ગયું છે ત્યાં તમે આ 4 મકાનો બનાવો, અને આગળ જે અહીંયા ગાર્ડન બનાવવાના છો, 68 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો છે, તો 68 લાખ રૂપિયામાં ક્યાંય તમને ગ્રીનરી તે દેખાય છે ખરી? એજ વિરોધ છે અમારો. 68 લાખ રૂપિયા કે નામ સે વિકાસ હો રહા હૈ ઓર ગ્રીન બેલ્ટ ડેવલપમેન્ટ કરને કી ગાર્ડન ડેવલપમેન્ટ કરને કી વાત હૈ, લેકિન યહાં જો સિમેન્ટ કોન્ક્રીટ કા કુછ કન્સ્ટ્રક્શન હો રહા હૈ ઉસકા સ્થાનીય નિવાસી વિરોધ કર રહે હૈ. कॉर्पोरेशन के प्लॉट में यहाँ असामाजिक गतिविधियां भी हो रही है. यहाँ बिल्कुल बगल में श्याम रेसिडेंसी है, वहाँ लोग रहते हैं और संस्कारी नगरी कहे जाने के नाते यहाँ जो गतिविधियां हो रही है उसका विरोध कर रहे हैं. मैम, यहाँ किस तरीके की दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? यहाँ रात को बहुत ही अनसोशल बोल सकते हैं, ऐसे लोग इधर आते हैं रात को. हमें कितनी बार हमने फ़ोटो भी निकाली है, बॉटल्स वगैरह जो अल्कोहल की होती है वो भी यहाँ मिली पड़ी रहती है. यहाँ के जो सामने पूरे जो न्यूसेंस है वो लोग इधर आके खूब तमाशा करते हैं. तो हम इतना पैसा खर्च करके जब इधर रह रहे हैं तो हमें ये सब सहन करना पड़ेगा? हाँ, कि हमारी बेटी भी गैलरी के बाहर भी नहीं निकल पाए. तो आपने इस मामले कभी कॉर्पोरेशन को कहा है कि आपके प्लॉट में ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही है? जब यहाँ इसके पहले भी जब यहाँ सब ऐसी एक्टिविटीज़ हुई थी तब यहाँ कितने सारे अधिकारी आए थे, उनको भी हमने ये सब बताया था. और तो वहाँ जब आए तो बॉटल पड़ी हुई थी, सब ड्रिंक करके रात को सब इधर गाली बोलते हैं, सब चल रहा है यहाँ, ये सबको पता है, लेकिन कुछ बंद नहीं हो रहा है. ये देखो, ये भी झुपड़ी जैसा बनाया है. और यहाँ कौन रहता है? वो अभी इधर कोई दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि पता नहीं हमें, लेकिन दिन भर काम करते हैं और ये रहते होंगे, हम नहीं पहचानते, मजदूर टाइप लोग रहते हैं यहाँ. रहने यहाँ एक झोपड़ा सा बना दिया है और लोग रहते भी हैं, और असामाजिक गतिविधियां हो रही है जिसका यहाँ आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है. कॉर्पोरेशन के ग्रीन बेल्ट में बीचों बीच आंगनवाड़ी बना दी गई है, आगे की जगह भी खाली छोड़ी है और पीछे की भी इतनी सारी जगह खाली छोड़ दी गई है. और यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन यहाँ
जिस तरीके की झाड़ियां निकल के आई है, यहाँ कोई भी पशु पक्षी जानवर रह सकते हैं और ऐसे में बच्चों को परेशानी भी हो सकती है। पुष्पा बेन, ए वक्त पर तब यहाँ मुद्दों उठावे हो तो कि आंगनवाड़ी छे एने खूणा में बनाओ जेथी आखो बेल्ट अपने आखो जे प्लॉट छे जमीन छे ए यूज थई शके, शू कहशो? आ आंगणवाड़ीनું જ્યારે કામ ચાલુ કરવાનું હતું ત્યારે હું કોર્પોરેટર હતી, 2007-08ની વાત છે આ, અને ત્યારે મેં સ્થળ પર આવીને રજૂઆત કરી હતી કે આ આખો ગ્રીન બેલ્ટ છે, તમે ગ્રીન બેલ્ટની વચ્ચે વચ આંગણવાડીનું કામ જે કરો છો એના બદલે આ પાછળ જે જગ્યા આખી છોડી છે એ દિવાલ છે, દિવાલને અડીને તમે આંગણવાડી પાસે પાસે બે બનાવો, આગળ ગ્રીનરી કરીએ, આગળ બાળકોને રમતગમતના સાધનો મૂકીએ। પણ તે વખતે રાજ્ય સરકારમાંથી ગ્રાન્ટ આવી હતી અને અધિકારીઓએ મરજી પ્રમાણે વચ્ચે વચ આ આંગણવાડીના મકાનો બનાવીને આખા ગ્રીન બેલ્ટને ઓલરેડી આ લોકોએ અડધો કરી દીધો। કારણ કે તમે જુઓ તો અહીંયા બંબે આંગણવાડી બનાવી દીધી, હવે આ પાછળની જગ્યા છે એ ક્યાંય ઉપયોગમાં લેવાતી નથી, આ બાળકો અહીંયા ભણવા આવે છે, અહીંયાથી કંઈ પણ નીકળીને બાળકોને કરડે કે કંઈ પણ નુકસાન થાય તો એ તો કોર્પોરેશનના માથે જ પછી આવવાનું છે। હાલમાં આંગણવાડીની અંદર લાઈટો 3 દિવસથી કાપી ગયા છે, બિલ નથી ભરાયું, દર વખતે એવું થાય છે, દર વખતે બિલ કોર્પોરેશન કરોડો રૂપિયાનો આડો અવરો ખર્ચો કરે છે, ગરીબ બાળકો માટે આંગણવાડીનું બિલ નથી ભરતા સમયસર, એટલે MGVCL વાળાએ 3 દિવસથી લાઈટ કાપી નાખી, લાઈટનું જોડાણ કાપી નાખ્યું છે, એટલે બાળકો અંધારામાં ભણી રહ્યા છે, હમણાં અંધારામાં ભણી રહ્યા। મેં આઈને પૂછ્યું તો કે 3 દિવસથી લાઈટ નથી, આ કોર્પોરેશનનો વહીવટ છે। અહીંયા પાણીની સુવિધા ખરી? પાણીની બિલકુલ સુવિધા નથી, આંગણવાડીની કાર્યકર બહેનો આજુબાજુમાંથી પાણી ઉંચકીને ભરી લાવે છે, ઉપરની ટાંકી પણ લીકેજ છે એટલે ટાંકીમાં પાણી રહેતું પણ નથી। સૌથી મોટી વાત એ છે કે તમે મકાન બનાવો ઘરે તો દાદર તો બનાવો ઉપર જવાનો ટેરેસ પર, પણ આ તો આંગણવાડીના ખાલી ખોખા બનાવે છે પણ ઉપર દાદર નથી મૂકતા, એટલે આ બહેનોને ઉપરની ટાંકી લીકેજ છે કે ક્યાં પાણી જતું રહે છે એ જોવા માટે જવું કેવી રીતે? એક પણ આંગણવાડીમાં આ લોકોએ દાદર નથી મૂકતા, એટલે ઉપર પાણી ક્યાં જાય છે પણ નીચે પાણી બિચારા બહેનો એ ઉંચકી ઉંચકીને લાવે છે। માંડ એ લોકો 5-6 હજારના પગારની અંદર 50 હજારનું કામ કોર્પોરેશન કરાવે છે એમની પાસે। આપ સોચીએ, લાખો કરોડો રૂપિયા કા ખર્ચ ઓર ઇસ તરીકે કી बिल्कुल ही जहां कोई व्यवस्था नहीं है, आंगनवाड़ी बना दी गई है सरकार को दिखाने के लिए, सरकार बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे करती है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन पढ़ेगा कैसे और बढ़ेगा कैसे जब सुविधाएं नहीं होंगी। जिसके बाद स्थानीय नगर सेवक पुष्पा वाघेला ने कही कि यहाँ कॉरपोरेशन ने बिल नहीं भरा है और इसलिए ये जो बिजली है काट दी गई है, मीटर है बंद पड़ा है, ऐसे में छोटे छोटे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? आंगनवाड़ी के नाम पर यहाँ 2 बिल्डिंग बना दिए गए हैं लेकिन सुविधा नहीं है, ना लाइट है ना पानी है। आप सोचिए, अगर बुनियादी सुविधाएँ नहीं होगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? चलिए, आंगनवाड़ी में क्या सुविधा है उस पर भी एक नज़र डाल ली जाए। यहाँ एक छोटा सा कमरा है जहाँ कुछ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ लाइट केम नथी? लाइट का 3 दिवस थी कापी गया छे मैडम, एटले बिल नथी भरायो। अने पानी नी सो व्यवस्था छे? तो लाइट वगर पानी नीचे थी नहीं आवतो, अमारे मोटर होय चालू थाय तो आवे पानी। वडोदरा शहर की जनता करोड़ों रुपए का टैक्स भरती है और आशा करती है कि उन्हें सुविधाएं मिल सके, लेकिन वडोदरा कॉरपोरेशन जिस तरीके का आयोजन कर रहा है, सुविधा मिलने के बजाय असुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है। और ऐसा ही एक मामला छाणी टीपी 13 इलाके में सामने आया है जिसका स्थानीय निवासी विरोध कर रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या इस पर एक्शन लिया जाता है उस पर भी VNM की नज़र हमेशा बनी रहेगी। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM TV के लिए। आए दिन नेशनल ऐसे कई मुद्दे होते हैं जिस पर कई लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं होती हैं। आए दिन ऐसी खबरें आती हैं जिस पर हमारे घर में भी एक ऐसा डिस्कशन शुरू हो जाता है कि ये सही है ये गलत है। सरकार से भी कई शिकायतें होती हैं और कई अपने अपने सुझाव होते हैं कि सरकार को इस तरह के कदम उठाने चाहिए ताकि जो है सारी चीज़ें अच्छे से चल सके। आज का मुद्दा है UPI पेमेंट।
माना जा रहा है खुद पीएम मोदी ने भी ये बात कही थी कि यूपीआई पेमेंट जो है हमारे इंडिया के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है, डिजिटल युग में सबसे बड़ा योगदान है यूपीआई पेमेंट का। लेकिन कई ऐसी जगहें हैं, कई दुकानें हैं जिन्हें यूपीआई पेमेंट की वजह से कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसमें भी दो लोगों के अपने अपने ओपिनियंस हैं। कई लोग मानते हैं कि यूपीआई पेमेंट उनके लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है और कई लोगों को ऐसा लगता है कि यूपीआई से उन्हें नुकसान हो रहा है क्योंकि उनके पास में कैश नहीं आता है। तो आज हम लोग यहाँ पर बाजार में आ पहुँचे हैं जहाँ लोगों से हम बात करेंगे कि उनका क्या अनुभव रहा है यूपीआई पेमेंट को लेकर। तो चलिए जुड़िए मेरे साथ। आपके यहाँ पे यूपीआई पेमेंट का सुविधा है राइट? तो ज्यादातर लोग यूपीआई पेमेंट करते हैं या कैश में चालू रहता है? नहीं, दोनों चलता है हमारे। दोनों चलता है। तो आपको क्या लगता है कि यूपीआई पेमेंट ज्यादा अच्छा है या कैश ज्यादा अच्छा है? दोनों अच्छा है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के पास पेमेंट का कैश नहीं है तो यूपीआई करे कितना भी, तो अपने को कोई वांधा नहीं। किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना उठाना पड़ता है इस वजह से आपको? कोई नहीं। आपके हिसाब से जो पीएम मोदी ने भी ये कहा था कि यूपीआई पेमेंट हमारे लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है क्योंकि हमारे बैंक में तुरंत पैसे आ जाते, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस जो ये ट्रेंड शुरू हुआ है यूपीआई का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इससे अच्छी बात है, जो साथ में कैश लेके नहीं चलना पड़ रहा है और रिस्क भी कम हो जाता है अगर बड़ा पेमेंट है तो। हम यहाँ पे बाजू में कपड़े की दुकान दिखाई दे पड़ रही है, यहाँ पर भी यूपीआई पेमेंट का जो है अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पर भी हम बात करते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। ज्यादातर लोग अभी क्या प्रेफर करते हैं, कैश करना या ऑनलाइन पेमेंट करना? दोनों करते हैं। तो आपको इसके कोई फायदे या नुकसान महसूस होते हैं? कुछ भी नहीं, वो बैंक में जाते उल्टी डायरेक्ट व्यापारी को वहाँ से चेक दे देते हैं, वो जाते हैं। तो पहले जब सारे कैश में पेमेंट्स होते थे तो वो ज्यादा अच्छा आपके लिए साबित होता था, यूपीआई ज्यादा अच्छा साबित हो रहा है? दोनों बराबर है। किसी तरह की कोई दिक्कत होती है आपको? नहीं, वो खाली बस नेटवर्क की थोड़ी इजी होती, कोई कस्टमर आता है तो थोड़ा नेटवर्क कभी इशू नहीं होता, तो उसका बेचारे का थोड़ा वो जाता तो केस लेके नहीं आता, तो कभी उसको तकलीफ पड़ती है, बाकी ऐसे कोई का तकलीफ नहीं। आपके अपने प्रतिक्रियाएँ क्या है यूपीआई पेमेंट जब से स्टार्ट हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे वो बताइए? दोनों अच्छा ही है, कोई ख़राब नहीं, कोई भी चीज़ जो भी होती है वो अच्छे के लिए होती है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और भी जगह पर जाएंगे, अब सिर्फ दुकानों में नहीं कुछ लारी वालों से भी बात करेंगे और सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग सबकी क्या ओपिनियंस है। अब हम आ पहुँचे हैं वडोदरा के कड़क बाजार में और यहाँ हम लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कई फ्रूट वाले हैं, कई सब्जी वाले भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनकी क्या राय है इस बारे में। यहाँ पे कई रिक्शा वाले भी खड़े हैं, उनसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या फ़ायदा या नुकसान होता है यूपीआई पेमेंट को लेके। चलिए जुड़ते हैं। भैया आप रिक्शा चलाते हैं ना? ओके, आप यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं आपके रिक्शा में? नहीं मैडम। अच्छा, तो आपको काफी लोग ऐसे मिलते होंगे जो यूपीआई पेमेंट करना चाहते होंगे या कैश में करते हैं? कैश में ही रहते हैं। किसी तरह का कोई नुकसान आपको फेस करना पड़ता है इस वजह से? हमको ऑटो वाले को पढ़े लिखे नहीं हो तो कहां से हमको समझ पड़ेगी मैडम, हमको यूपीआई पहुंचाते ही नहीं, हमको कैश ही पेमेंट करेंगे, कोई देने को तैयार नहीं होता मैडम। आपको अब कोई दुकान वाले के पास कराना चाहता तो 10-20 रुपए का कौन करके देगा? अभी ज्यादातर लोग यूपीआई करते हैं या कैश करते हैं? अभी कम से कम 100 में से 70% लोग यूपीआई करते हैं, जो भी मतलब अगर जो भी मतलब ऑफिसर वर्क के लोग है और जो अधिकतर खरीदी करने जो लोग आते हैं अधिकतर अभी यूपीआई पेमेंट ही करते हैं वो। इसका कोई नुकसान या फायदा आपको? इसका फायदा है क्योंकि पहले हमको अगर कोई 100 या 200 के अथवा 500 रुपए की नोट निकालता था तो हमें छुट्टे देने पड़ते थे, इधर उधर भागना पड़ता था। यूपीआई आने की वजह से अभी बहुत ही मतलब इजीली जो भी लेन देन होता है वो बहुत ही अच्छा हो गया है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और ये जो सुविधा करी है यूपीआई की हमारे देश के अंदर बहुत ही अच्छा है और अभी अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में पहला नंबर हमारा आता है यूपीआई के अंदर, हमारे हिंदुस्तान का देखा जाए तो वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर हमारा आता है और सेकंड नंबर सिंगापुर का आता था लेकिन अभी फर्स्ट नंबर अब हमारा आता है, चीन को भी हमने पीछे छोड़ के अभी फर्स्ट नंबर हमारा आ रहा है यूपीआई के अंदर। और जिस प्रकार से आपने देखा हो तो हमारे अपने इसराइल के जो यहाँ पर हमारे विदेशी जो हैं उन्होंने भी यहाँ पर सब्जी खरीदते वक्त और फ्रूट खरीदते वक्त यूपीआई पेमेंट करा था, अगर आपको मालूम हो तो। तो आप खुश हैं यूपीआई का? बहुत ही। और मैं बोलता हूँ कि अभी जो डिजिटल युग चल रहा है हमारे प्रधानमंत्री योगी जी के, अभी का जो युग है वो डिजिटल मीडिया का और डिजिटल का ही युग है, तो
तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप भी यूपीआई करो, बहुत ही अच्छा है, चेंज वेंज की कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। भैया अभी जो यूपीआई का पूरा ट्रेंड चल रहा है तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि कई बार कैश की अवेलेबिलिटी लोगों में कम होती है, तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैडम रेलवे स्टेशन के हिसाब से बहुत लोगों को दिक्कत होती है, जैसे हर रिक्शा वाले पास, हर फ्रूट वाले पास या हर दुकानदार पास नहीं है, और दुकानदार पास होने का भी आधे तो फ्रॉड होते हैं, जैसे कि भाई कोई के कोई पिन कोड में डाला नहीं डाला, कोई ने फोटो खींच के दे दिए, लीगली प्रोसेस में बहुत लंबा जाता है, फिर पुलिस भी हाथ रखने नहीं देती, कोई दूसरा कोई भी वस्तु नहीं रखता है, हर कोई के अंदर ज़्यादातर तो कैश डिलीवरी अच्छी है। यूपीआई में क्या है, किसी के अंदर स्कैनर करा नहीं करा, किसी के अंदर आया नहीं आया, सामने वाला तो बता ही देता है, वो फिर बैंक का प्रॉब्लम बताता है कि आगे जाके वहाँ का इशू बताता है ना, इसमें बैंक हाथ रखती है ना ग्राहक हाथ रखता है, लेने वाला ही देने ज़्यादातर तो देख के बोल देता है कि भाई हो गया, नहीं होगा तो कल आएगा, कल पैसेंजर को ढूंढने का जाने का, ट्रेन में जाने वाला ज़्यादातर उसके पास कैश नहीं होता है, वो यहाँ के कोई को 10% कटाता है, कोई को 20% कटाता है, उसके बाद आके बोलते हैं भाई हेल्प कर दो, कोई के पास कैश होता तो देता है, नहीं होने वाले को भी दिक्कत होती है, और बेचारा कहाँ कहाँ धक्के खाएगा, यहाँ से हल्कापुरी जाओ, वहाँ से 1.5 किलोमीटर ATM है, ये बाजू जाओ तो काला घोड़ा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है, आस पास में स्टेशन रेलवे स्टेशन बस डेपो और उसके पास कोई ATM नहीं है, ज़्यादातर हर कस्टमर को इसकी तकलीफ होती है। भैया अभी सबसे ज़्यादा UPI पेमेंट का ट्रेंड चल रहा है, तो क्या आपकी दुकान पर जो भी लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं तो वो ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या कैश में पेमेंट? ज़्यादा ऑनलाइन कर रहे हैं। इसका कोई फ़ायदा होता है आपको? फ़ायदा तो क्या होता है, कोई फ़ायदा मतलब फ़ायदा या नुकसान इसका कुछ लगता है आपको? नहीं नहीं, मतलब सब सेम ही है, कैश में हो या ऑनलाइन? सेम सेम है सर। भैया आपके पास में UPI पेमेंट का अवेलेबिलिटी है? नहीं। ज़्यादातर लोग जो फूल खरीदने आते हैं तो वो आपसे ये डिमांड करते हैं UPI पेमेंट करना है? हाँ कर दे। तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होती है इससे? हाँ होती है ना, आजू बाजू में करवाना पड़ता है फिर। मतलब ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि कैश नहीं लेके आते, तो आपको आजू बाजू जाना पड़ता है? 10 रुपये में भी पेटीएम खोल रहे हैं सब। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? अभी वो तो क्या है, अभी सरकार ने जो खोला है वो अच्छा ही है, इसे तो जिसके पास नहीं हो पेटीएम कर सकते। आपके मतलब आपका अपना क्या रीज़न है कि आपने अभी तक पेटीएम स्टार्ट नहीं किया है? मेरा फिर सुबह हमारा वहाँ केस से लाना पड़ता है, इसके लिए नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे केस करना पड़ता है। हर सुविधा में किसी न किसी को कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ता है। आज हमने बात की लोगों से कि उन्हें UPI के क्या फायदे या नुकसान हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अपनी प्रतिक्रियाएं आप हमारे साथ में कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और क्या कहना है आपको एपिसोड के साथ, तब तक देखते रहिए VNM TV। VNM TV की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, JioTV, वोडाफोन TV और JioFiber पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM TV आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM TV। नमस्कार।